नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। पिछले 5 डेज में स्टॉक में 3% के आसपास की तेजी दिखी, पिछले जबकि 6 मंथ का ट्रेंड निगेटिव है, पिछले 1 ईयर के ट्रेंड भी निगेटिव ही दिखेंगे और पिछले 5 ईयर के ट्रेंड को देखेंगे तो थोड़ा बहुत फ्लैट पॉजिटिव दिख रहा है। ये निगेटिव ट्रेंड का जो कंसर्न है वो है इस स्टॉक के पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की डेट, जिसने इस स्टॉक को बर्बाद कर दिया। कुछ बड़े न्यूज ट्रेंड हो रहे हैं जिसमें एक कॉमन न्यूज आज आई है। यहाँ देखेंगे कि वेदांता के अंदर जो है उड़ीसा कस्टम कमिश्नर ऑफिसर इम्पोज अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 1.56 करोड़ एंड द पेनल्टी ऑफ 2.9 करोड़, यानी टोटल मिला करके देखेंगे तो नियर अराउंड जो निकल करके आ रहा है वो 4.5 करोड़ के आसपास का है। ऑन वेदांता एल्युमिनियम बिजनेस एंड द बाल्को फॉर द सेल्स ऑफ गुड विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल द कंपनी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट वेदांता आयरन और स्टील को भी डिमर्ज करने की बात चल रही है, जिसको लेकर के कंपनी काफी अग्रेसिवली है क्योंकि कंसर्न डेट का है। अगर यहाँ अग्रेसिवली नहीं होगी तो डेट के कारण बहुत भद्दा फिट सकती है। और यहाँ देखेंगे ही आप पाएंगे कि जो वेदांता टेक्स फर्स्ट लीगल स्टेप जो है वो ले चुका है, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसी है वो अभी भी डाउनग्रेड कर रही है। ये सब कुछ न्यूज ट्रेंड हो रहे हैं। और इसी बीच में अगर स्टॉक के वॉल्यूम को देखेंगे तो थोड़ा हायर वॉल्यूम के साथ जो ट्रेंड है वो भी देखेंगे तो रिवर्सल दिख रहा है। हालांकि जो 1 मंथ के लो है वही 52 वीक के भी लो है। और यहाँ इसके अलावा देखेंगे तो टेक्निकल ट्रेंड थोड़ा शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव दिख रहा है, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड काफी वीक रहे हैं। जो डिलीवरी है वो कंटिन्यूअस इस स्टॉक में बेटर दिख रही है। जो डिलीवरी है वो मोर देन 50-60% तक के डिलीवरी भी देखे हैं और रिसेंट में 40-50% तक का डिलीवरी दिख रहा है। इसके चार्ट को देखें तो सिंपल वे में मैं क्या कहूंगा, अपर साइड देखेंगे तो लगभग यहां से ही ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये है लगभग 300 के प्राइस से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड रहा, यहाँ कंसोलिडेट करा, ब्रेकडाउन हुआ। ये ब्रेकडाउन तब हुआ था जब प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स घटाई थी, कुछ होल्डिंग्स को बेचे थे, वहां से ये गिरावट दिखी और उसके बाद फिर वन साइडेड गिरावट दिखा। यहाँ ट्रेंड रिवर्सल रहा लेकिन अगेन यहाँ ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद गिरावट रही, और ये तब रहा जब डेट का कंसर्न रहा। इस समय जो ये लोअर लो लोअर हाई के ट्रेंड दिख रहे थे, यहाँ देखेंगे जो लोअर लो लोअर हाई के ट्रेंड दिख रहे थे यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है। जो बॉडी है वो पहली बार इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 217 और इसके बीच में धीरे धीरे चाहे तो आप एक्युमुलेट करें, एसएल मस्ट है। 208 के नीचे के एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और चूंकि वेदांता के सभी शेयर प्लेज हैं तो प्रमोटर किसी भी कीमत पे इसके नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि फिर मार्केट टू मार्केट इसके जो प्लेज शेयर है वो बिकने लग जाएंगे, तो प्रमोटर कभी 208 के नीचे स्टॉक को नहीं जाने देगी। और यहाँ से जो टारगेट निकल करके आएगा स्टॉक में, मुझे ऐसा लगता है जो पहला टारगेट होगा वो देखेंगे तो नियर अराउंड 250 के आसपास का टारगेट होगा और इसके बाद का जो दूसरा टारगेट आएगा वो आएगा 272 तक के। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल लग रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे स्टॉक्स को तो मैं कहूंगा सलाह की इग्नोर ही रखें। इसके आसपास बाइंग होती है तो प्रोबेबली 25% तक के रिटर्न्स का ले सकते हैं।